टॉक्सिन न्यूज़ आज क्या क्या होंगी, किन खबरों पर आपको नज़र रखनी है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले IPO मार्केट की बात करते हैं। ये मार्केट पिछले कुछ दिनों से बस कर रहा है और आज भी कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। यात्रा ऑनलाइन का IPO आज खुलेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए 134 से 142 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रहेगी। अपर एंड की बात करें तो IPO करीब करीब 775 करोड़ का ये टोटल IPO रहेगा। 348 करोड़ कंपनी ने ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर से रेस कर लिए हैं। यह IPO आज खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इस पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा RR केबल जो IPO ऑलरेडी खुला हुआ है, आज लास्ट डे रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए और सेकेंड डे के एंड तक 0.6 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस इन्हीं दोनों न्यूज़ फ्लोज के चलते IPO मार्केट में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ कॉरपोरेट एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले HDFC बैंक पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। FTSE और सेंसेक्स का आज रीजिग होगा 15 सितंबर, जिसके चलते HDFC बैंक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। JB केमिकल्स के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट कुछ समय पहले अनाउंस किया था और उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आज लास्ट डे रहेगा शेयर्स खरीदने के लिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स के 20% शेयर्स जो लॉक्ड इन थे वो आज खुल जाएंगे। बोर्ड ऑफ जो शेयर होल्डर्स थे अब वो शेयर्स बेच पाएंगे, जिसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। और टेक्समैको रेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक है, फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा एल्केम लेबोरेटरीज कल स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग कंपनी ने किया है। कंपनी ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे कर रहा है कंपनी की कुछ ऑफिसेस पर और सब्सिडरीज की कुछ ऑफिसेस पर बड़ी इन्फॉर्मेशन आती हुई नज़र आई है। कंपनी ने कहा कि कंपनी IT डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट तो कर रही है और फाइनेंशियल इम्पैक्ट और ऑपरेशंस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक बड़ी न्यूज़ है जिसके चलते एल्केम लेबोरेटरीज पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा स्ट्राइड फार्मा की बात करते हैं, कंपनी को USFDA से एक ड्रग के लिए अप्रूवल मिला है। 1345 मिलियन $ का मार्केट साइज है ये ड्रग का, तो स्ट्राइड्स फार्मा पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा सियारा मिल्स, याद रखें कंपनी ने बायबैक कुछ समय पहले अनाउंस किया था, अब बायबैक प्राइस कंपनी ने बढ़ा दी है। जो पहले 650 रुपीज़ प्रति शेयर का बायबैक प्राइस था, वो अब बढ़ाकर 720 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। इसके साथ ही साथ बायबैक साइज घटा दिया गया है। जो पहले 16.61 लाख शेयर्स कंपनी वापस खरीदने वाली थी, वो अब घटाकर 14.9 लाख एक्विटी शेयर्स कर दिया है। तो बायबैक प्राइस बढ़ाई है लेकिन बायबैक साइज घटा दिया है, जिसके चलते सियाराम मिल्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। सोना BLW की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है, सब्सिडरी में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सोना BLW एड्राइव मैक्सिना ये सब्सिडरी है, सब्सिडरी मेक्सिको में एक प्लांट सेटअप करने वाली है, जिसके चलते कंपनी अपनी सब्सिडरी में $1.6 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, तो इसके चलते सोना BLW पर भी अपनी नज़र रखें। लास्टली सीक्वेंस साइंटिफिक, कंपनी अपना API सेगमेंट जो थाने में यूनिट है वो कंपनी बेचने चाहती है। बाकी की डिटेल्स कुछ समय में कंपनी अनाउंस करेगी, लेकिन अभी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये अप्रूवल दे दी है, जिसके चलते सीक्वेंस साइंटिफिक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो IPO मार्केट में भी एक्शन भरपूर और ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि हमारा फोकस रहेगा।